पर्यटन विभाग बिहार सरकार की ओर से वाराणसी में कराया गया। रोड शो वाराणसी के ट्रैवल एजेंटों को बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व धार्मिक यात्राओं के बारे में दी जानकारी। बिहार सरकार ने इन विगत वर्षों में तमाम विकास किया है, रोड के क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में, और पर्यटक जितने स्थल थे उसमें सारी सुविधाएं युक्त किया गया है। इसको लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मीडिया के माध्यम से बताना, टूर ऑपरेटर को बताना, ज़्यादा से टूरिस्ट आए। प्लस हमारे पास नई पर्यटन नीति आई है, अभी नई पर्यटन नीति के अंतर्गत हम कोई होटल बना रहा है या लग्जरी गाड़ियाँ ले रहे हैं, उसमें 25-30% तक हम लोग फ्लैट सब्सिडी दे रहे हैं। कोई 10 करोड़ लगा रहा है तो हम लोग 2.5 करोड़ फ्लैट सब्सिडी उसको दे रहे हैं। जिनके होटल पुराने हो गए हैं, कोविड के बाद पैसे नहीं हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए 2 करोड़ तक का भी सब्सिडी की व्यवस्था अभी नई, अभी रिसेंटली पिछले महीने से चालू हुआ है। उसको बताकर यहाँ कभी इन्वेस्टर्स जाना चाहें वहाँ तो लगा सकते हैं। आखिर ये बिहार पर्यटन रोड शो यूपी में करना क्यों पड़ा? हाँ क्यों नहीं, हम लोग पूरे भारत में करते हैं, क्योंकि हमको पूरे भारत से लोगों को लेके आना है। दूसरी बात है कि हमारा पड़ोसी राज्य होने के चलते बहुत सारे लोग जो तमिलनाडु जाते हैं वो बगल में केरला भी जाते हैं, तो हमारे पर्यटन से काशी में लोग आते हैं पूजा पाठ करने, यहाँ से आने तो पिंडदान करने गया जी भी जाते हैं। रास्ते में हमारी मुंडेश्वरी देवी मंदिर है, शक्तिपीठ है, कई मंदिर भी बीच में है, जिसके कारण हम लोग इस पर्यटन को जोड़ सकते हैं। और जो टूरिस्ट यहाँ 3-4 रात के लिए, उसको हम 2 रात और एक्सटेंशन देकर गया नालंदा राजगीर को भी जोड़ा जा सकता है। इसको